अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। 4 नवंबर 1925 का दिन एक तारीखी दिन था। पेशावर रेलवे स्टेशन से 3 बोगियों और 2 इंजनों पर मुश्तमिल एक ख़ास ट्रेन 52 किलोमीटर के अपने सफ़र पर रवाना हुई। ख़ास बात ये थी कि दोनों स्टीम इंजन थे, उनमें से जो अगला इंजन था वो ट्रेन को खींच रहा था और जो पिछला इंजन था वो ट्रेन को धक्का दे रहा था, क्योंकि उसने 3150 फुट की बुलंदी पर पहुंचना था। ख़ास बात ये थी कि जो अगला इंजन था उसे चलाने वाली एक औरत थी, जो जिसका असल नाम तो तारीख में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको मिसेस विक्टर बेले, मिसेस विक्टर बेले उस ट्रेन की ड्राइवर थी। इस बारे में 2 कहानियां हैं कि मिसेस विक्टर बेले को स्टीम इंजन यानी रेलवे का, जिसे हम काला इंजन कहते हैं, वो चलाने की ज़िम्मेदारी क्यों दी गई। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये जो ट्रेन जिसका मैंने ज़िक्र किया, इसने आना था दर्रा खैबर, और दर्रा खैबर उस वक्त अफरीदियों के कब्ज़े में था, अंग्रेज़ का ज़माना था। तो अफरीदियों की एक ख़ास बात यह है कि ये जितने भी जंगजू, वैशी और मतलब बहादुर क्यों ना हो, ये औरत को कुछ नहीं कहते। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर एक औरत, अच्छा हाँ ये भी मैं बता दूं कि जब ये पटरी बिछाई जा रही थी, मतलब जो 52 किलोमीटर की जिस पटरी का मैंने ज़िक्र किया आपसे कि उस 52 किलोमीटर के सफ़र पर उसने रवाना होना था, तो ये 52 किलोमीटर की जब पट्टी बिछाई जा रही थी तो अफरीदियों ने इसकी बहुत मुखालफत की थी, क्योंकि ये सारी की सारी अफरीदियों के इलाके से होकर गुजरनी थी, और ये मतलब बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ ये उनके घरों के करीब से जो है वो ट्रेन ने गुजरना था, और इसमें बेपर्दगी होने का अंदेशा भी था। अफरीदियों के घर आमतौर पर जो है वो किला नमा शक्ल में होते हैं, बाहर एक जो है वो भूरे रंग की बड़ी सी दीवार जो है वो बनी होती है और उसके फिर अंदर घर होता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी अफरीदी कबीले पर, हत्ता कि ये सारे पठानों पर आता है कि मतलब जो भी पख्तून हैं वो इस बात को गवारा ही नहीं करते कि कोई गैर शख्स उनकी ख्वातीन पर को देख सके, लेकिन वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते। लिहाजा अंग्रेज़ों ने की ये एक सियासी चाल कह लें या मतलब एक हिकमत अमली कह लें कि उन्होंने उस ट्रेन की ड्राइवर जो है वो एक ख़ातून को बनाया, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जब ये ट्रेन गुजरेगी और आफरीदी कबाइल या दूसरे कबाइल जब इस ख़ातून को देखेंगे तो इसे कुछ नहीं कहेंगे। ये तो एक कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी ये है, अच्छा ये भी है कि वो मिसेस विक्टर बेले के बाल बाकायदा जो है वो बड़े बहुत लंबे थे, उन बालों को बांधने की इजाज़त नहीं दी गई और वो खुले बाल इंजन के बाहर से लहरा रहे थे, यानी दूर से पता चलता था कि ये ट्रेन कोई खातून चला रही है। दूसरी कहानी ये है कि चूँकि ये रेलवे लाइन ही तामीर जो है वो विक्टर बेले ने की थी, लेकिन जब इसका इफ्तिताह होना था यानी अपना 4 नवंबर 1925 को, उससे 3 महीने पहले विक्टर बेले का इंतकाल हो गया, तो लिहाजा उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए उसकी बीवी को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो इस ट्रेन को चलाए। कहानियाँ 2 हैं, मकसद एक ही है कि अफरीदी चूँकि औरत को कुछ नहीं कहते, लिहाजा इस उस ट्रेन को उस खातून ने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। इस ट्रेन ने 52 किलोमीटर सफ़र तय किया, इस दौरान वो 34 सुरंगों और 92 पुलों पर से गुजरी। बड़ी बात है कि 52 किलोमीटर से 34 सुरंगें और 92 बड़े पुल या छोटी पुलियां उन पर से गुजरी, और उसने 3900 फुट की बुलंदी तय की और लंदी कोतल पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूं लंदी कोतल रेलवे स्टेशन पर। किसी ज़माने में और इस ट्रेन का नाम था खैबर सफारी ट्रेन, किसी ज़माने में लंदी कोतल इसकी आखिरी मंजिल हुआ करता था, और इसका फासला ये KM 1732.51 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कराची से 1732 किलोमीटर यानी आगे 51 आधा लगा लें, ये जो है वो 1732 किलोमीटर दूर है। खैबर सफारी ट्रेन जो है वो हर इतवार की, मतलब हर महीने की पहले इतवार को चला करती थी, और
ये चलती रही जब तक जो है वो अंग्रेज़ बरसर इकतदार रहे, और जब 1947 आया उसके बाद भी चलती रही, हर महीने के पहले इतवार को चलती थी। और मकामी अफराद का सफ़र जो है वो फ्री होता था, उससे उनसे ये पैसे नहीं लेते थे। बाकायदा जो है वो लोग मतलब अपनी राइफलें, जो उस वक्त की जदीद तरीन राइफलें थी, वो लेकर उस पर सफ़र किया करते थे। और कहा जाता है कि खैबर सफारी ट्रेन को दुनिया की बावकार तरीन सफारी ट्रेन कहा जाता था। उसके बाद ये हुआ कि 3 अप्रैल 1926 को यहाँ से 8 किलोमीटर आगे एक और जगह है जिसका नाम है लंडी खाना। इसे लंडी खाना तक जो है वो इसको तोसी दे दी गई, और ये 8 किलोमीटर आगे लंडी खाना तक, पहले लंडी को तो इसका आखिरी स्टेशन होता था, लेकिन फिर इसको लंडी खाना तक तोसी दी गई। लेकिन 6 साल बाद ही 15 दिसंबर 1932 को इसे बंद कर दिया गया। अच्छा, लंडी खाना जो है वो तोरखम से 3 किलोमीटर मतलब पहले है, और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है तोरखम यहाँ से। तो लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जो है वो ज़िद की, इसरार किया कि इस ट्रेन को लंडी खाना तक ना चलाएं, मुमकिन है कोई सिक्योरिटी रीज़न हो, कोई इस तरह की सूरत हाल हो। इस वजह से 15 दिसंबर 1932 को इस सफारी ट्रेन को बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है वो 1982 तक ये चलती रही। 1982 में इस सेक्शन पर नुकसान होने लगा, क्योंकि यहाँ के जो रहायशी थे उनको तो सफ़र फ्री था, वो बग़ैर टिकट के आया करते थे, उनसे टिकट नहीं ली जाती थी। तो और जो सयाह थे वो कम हो गए, और कुछ फिर अमन अमान की सूरत हाल ऐसी हो गई कि 1982 में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन 1990 की दिहाई में एक प्राइवेट कंपनी ने जो है वो इसको ठेके पर ले लिया, और वो इसे चलाती रही। अब ये नहीं पता कि उसे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, या मतलब वो ट्रेन जो है वो उन्होंने इसमें क्या कमाया। लेकिन 2006 में जब अमन अमान की सूरत हाल तो खैर एक तरफ रही, लेकिन 2006 में इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब आ गया, और 2006 में इसे इसकी बहुत सारी रेलवे लाइन जो है वो तबाह हो गई, बहुत से पुल टूट गए, पटरी जो है वो पानी बहा ले गया, बहुत सी सुरंगें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। अभी जब जो है वो पेशावर से चलें तो हयातबाद के बाद ये फिर जो है वो कबायली इलाके में दाखिल, उस वक्त कबायली इलाका होता था, कबायली इलाके में दाखिल हो जाती थी, और फिर ये किसी घर के करीब से गुजर रही है, सड़क के साथ चल रही है, कहीं सड़क के ऊपर से, कहीं सड़क के नीचे से गुजरती है। तो ये बिल्कुल सांप की तरह बल खाती हुई इन बुलंद पहाड़ों से गुजरती हुई लंदी कोतल स्टेशन पर पहुँचती थी। ये लंदी कोतल स्टेशन कभी आबाद होता था, हर इतवार को यहाँ भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन आया करती थी। ये उसकी पुरानी इमारत है। अच्छा, यहाँ कबायली इलाके की इमारतें जो है वो मुख्तलिफ होती हैं अपना आम इमारतों से। यहाँ तकरीबन सारी की सारी इमारतें किला नुमा इमारतें हैं। तो ये उसके रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत है जो कभी जो है वो किला नुमा हुआ करती थी। ये उस दौर के जो है वो लिवर जिनसे इसकी जो है वो लाइनें चेंज की जाती थी। मैं इस जो जिस प्लेटफॉर्म पर घूम रहा हूँ वो अब तो खैर सुनसान है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये लिवर थे, इनसे जो है वो इनको बदला जाता था। ये बाकायदा इसको पतले नीचे करके या ऊपर करके, तो हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये कि जो है वो ये लिवर थे जिनसे ट्रैक चेंज किया जाता था। ये उसका जो है वो आखिरी स्टेशन होता था, और उसके बाद जो है वो ट्रेन का रुख जो है वो वापस मोड़ा जाता था। जो ट्रेन को इंजन आगे लगा होता था वो खींचता था आते हुए, और जो जो पीछे लगा होता था फिर यहाँ आकर इंजन तब्दील किए जाते थे, और उसके बाद जो है वो ट्रेन वापस रवाना होती थी। अच्छा, अब इसकी चूँकि पटरियाँ नहीं बची, मैं जो है वो ना तो खबर सफारी बची ना इसकी पटरियाँ बची, तो मैं सिर्फ जो है वो आपको इसका रूट डिफ़ाइन करूँगा, और साथ मेरी कोशिश होगी कि जो है वो जहाँ जहाँ कहीं रेलवे लाइन नज़र आ रही हो उसकी फुटेज लगा दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कितने रेलवे स्टेशन थे, कहाँ कहाँ ये रुकती थी और किन किन जगहों से गुज़रा करती थी। खैबर सफारी ट्रेन के लिए 3 रिवर्स स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें से एक शिगई स्टेशन भी था। हम लोग इस वक्त शिगई स्टेशन के जो है वो मैं तो खंडरात ही कहूँगा, उन खंडरात के पास खड़े हैं। और ये वाटरिंग स्टेशन भी था, यहाँ जो स्टीम इंजन था उसमें बाकायदा पानी भी भरा जाता था।
अभी भी जो है वो लगा हुआ है, मतलब जहाँ से ये पानी भरा जाता था। अगर हो सके तो नेमतुल्लाह साहब दिखा दें, बस ये लाइन दिखा दें। लंडी खाना जाते हुए यानी तोरखम जाते हुए ये ऊपर रेलवे लाइन का पुल है, यहाँ से कभी खैबर सफारी गुजरा करती थी। इस पुल की ख़ास बात ये है कि इसके नीचे से जो है वो सड़क गुज़रती है और इधर से गुज़र के यहाँ मोड़ मुड़ती है और फिर दोबारा इसी पुल से जो है वो बाहर निकलती है। ये एक बड़ा मतलब अजूबा रोज़गार पुल है कि इधर इसी इसके एक जो दर्रा है उससे ट्रैफिक बाहर निकलती है और फिर दूसरी तरफ से मतलब एक तरफ से अंदर आती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ये इसके बारे में जो है वो टीवी प्रोग्रामों में भी सवाल किए जाते रहे लेकिन बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते थे। ये जो है वो अपना जगह कौन सी है, यहाँ ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद कुबा ये सुरपुल तोरखम रोड, तो मेरा ख्याल है कि ये सुरपुल ही कहलाता होगा। ये ऊपर आपको पटरी भी नज़र आ रही होगी और ये पुल भी नज़र आ रहा होगा। ये खैबर सफारी की वो यादें हैं जो अब सिर्फ यादें रह चुकी हैं। खैबर सफारी तो चूँकि बंद हो चुकी और सुना ये है कि उसकी बोगियाँ कहीं महफूज हैं। कहाँ महफूज हैं, मैं कोशिश करूँगा उन्हें भी तलाश करने की। लेकिन रेलवे वालों ने एक मेहरबानी ज़रूर की है और वो ये कि पेशावर रेलवे स्टेशन के बाहर सफारी में जो इंजन इस्तेमाल होता था उसे यादगार के तौर पर लगाया हुआ है। ये सामने जो इंजन आपको नज़र आ रहा है 202ZB, ये इंजन खैबर सफारी ट्रेन के साथ लगा करता था। और मैंने रेलवे के कुछ लोगों से बतौर ख़ास इस बारे में पूछा था कि क्या ये इंजन वही है जो खैबर सफारी के साथ लगता था, तो उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मुझे ये बताया है कि ये वही स्टीम इंजन है जो खैबर सफारी को लेकर पेशावर से लंडी कोतल या फिर लंडी खाना जाया करता था। तो मेरी ख्वाहिश से यही थी कि खैबर सफारी पूरी की पूरी मैं आपको दिखाता। मुझे पता चला है कि वो रैक शायद कहीं महफूज है, पूरी कोशिश होगी मेरी कि वो मैं रैक जो है वो भी आपको दिखा दूँ। लेकिन ये ब्रॉडगेज का इंजन है और इसके मेक वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि ये मतलब किस सन में बना और कब जो है वो ये कब तक चलता रहा। लेकिन ये तय है कि खैबर सफारी जो बंद हो चुकी ये उसी का स्टीम इंजन है जो एक यादगार के तौर पर पेशावर रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया है। जी जनाब, लंडी कोतल का टिकट घर हुआ करता था किसी ज़माने में, अब तो ये ऐसा मुस्तकिल बंद हुआ है कि उम्मीद ही नहीं कि जो है वो इसको कहीं खुल सकेगा। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि फिजिबिलिटी ऑफ द सेक्शन वाज प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर सर गल्डफोर्ड मोल्स अलॉन्ग द काबुल रिवर। रावलपिंडी पिशावरकंड सेक्शन वाज बिल्ट इन 1883। इट वाज एक्सटेंडेड अप टू जमरूद इन 1901। रिकंस्ट्रक्शन सर्वे फॉर जमरूद लंदी कोतल सेक्शन वाज कैरिड आउट बिटवीन 1879 एंड 1898 फॉर नैरो गेज ट्रैक। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड इन 1905 बट सस्पेंडेड इन 1909। आउटब्रेक ऑफ थर्ड अफगान वार इन मे 1919 नेसेसिटेटेड द रिवाइवल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कर्नल हेरन एग्जामिन्ड द अल्टरनेट खैबर रूट एंड इन 1920 डिसीजन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट ब्रॉड गेज लाइन जमरूद टू लंदी कोतल सेक्शन वॉज ओपन ऑन 3 November 1925। और इससे अगले दिन यानी 4 November को जो है वो ये ट्रेन दोबारा चली। उसके बाद जो है वो लंदी कोतल टू लंडी खाना सेक्शन वाज ओपन ऑन 3 April 1926 बट वाज क्लोज ऑन 15 December 1932। फॉर्मल ओपनिंग ऑफ खैबर रेलवे वाज परफॉर्म्ड बाय सर चार्ल्स इंस ऑन बिहाफ ऑफ द वायसराय सर क्लेमेंट हेनरे। ये इसकी मुख्तसर की तारीख लिखी हुई है।
ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, इसका रूट भी बता दिया कि ये कैसे कैसे गुजरती थी, कहाँ कहाँ से गुजरती थी। लेकिन इसकी एक और खसूसियत मैं आपको बताता हूँ। अपने ज़माने में जब ये बनी थी 1925 में जो है वो ये बनी, और 1927 में पेशावर का एयरपोर्ट जो है वो तामीर हुआ, जिसे अब बाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। तो ये दुनिया की वाहिद ट्रेन थी जो अपना रनवे था एयरपोर्ट का, ये उस पर से गुजरा करती थी। तो होता ये था कि जब ट्रेन पेशावर से आती थी या जम्मू से जाया करती थी वापस, यानी यहाँ से नदी कोतल से, तो ड्राइवर जो है वो ट्रेन रोक लिया करता था, बाकायदा फाटक लगे हुए थे। तो कंट्रोल टावर से इसकी इजाज़त ली जाती थी कि जी हम ट्रेन गुजार लें या ना गुजारें। बाज़ औक़ात जो है वो टेलीफोन पर, मतलब कोई उनका सिस्टम होगा टेलीग्राफ पर, उन्हें जवाब मिल जाता था कि जो है वो आप ट्रेन गुजार लें। और बाज़ औक़ात फायरमैन या ड्राइवर ख़ुद उतर के कंट्रोल टावर जाता था, कहते हैं वहाँ चाय का कप पीते थे दोनों, यानी कंट्रोल टावर में जो बंदा बैठा होता था वो, और उसके बाद फिर ट्रेन को गुजरने की इजाज़त दे दी जाती थी। उसके जब ट्रेन गुजर जाती थी वो फाटक बंद कर दिए जाते थे और फिर उसी रनवे पर बाकायदा जहाज़ लैंड किया करते थे। तो ये बातें सारी पुरानी हो गई। उसके बाद फिर जो है वो दो एयरपोर्ट और बन गए ऐसे जिनके रनवे पर से ट्रेन गुजरा करती थी। उनमें से एक मदगास्कर में है और दूसरा न्यूज़ीलैंड में है। जो न्यूज़ीलैंड में जो एयरपोर्ट है उसका नाम गैसबोर्न एयरपोर्ट है, और जो मदगास्कर में है उसका नाम मनकारा एयरपोर्ट है। कहते हैं कि उन दोनों के रनवेज जो है वहाँ से भी ट्रेन की पटरियाँ गुजरती हैं। वो तो ट्रेनें अभी चल रही हैं, लेकिन खैबर सफारी अब अपने अंजाम को पहुँच चुकी। जो सूरत हाल है पटरी की, और जो सूरत हाल है पुलों की और टनल्स की, यानी सुरंगों की, बाद में सुरंगें बनाना इतना आसान काम नहीं, बत्ती सुरंगें बनाना इतना आसान काम नहीं, और ना बाद में पुल तामीर करना जो है वो इतना आसान काम है। इसलिए ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता कि खैबर सफारी कभी दोबारा बहाल हो सकती है। इन्होंने, मतलब रेलवे वालों ने, दो सफारी इसके अल्टरनेट, इसके मुतबादल के तौर पर चलाई। एक सफारी जो है वो इन्होंने अपना पेशावर से अटखुर तक चलाई, एक जो है वो नौशहरा तक भी जो है वो एक ज़माने में चलती रही, गालिबन चारसद्दा तक वो सवारी इन्होंने चलाई, और एक सवारी ट्रेन जो है वो रावलपिंडी से अटखुर्द आया करती थी। लेकिन वो भी बंद हो गई, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, मतलब सफारी के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। वो सफारी जहाँ, जिसमें जो है वो अंग्रेज़ सयाह ख़ास तौर पर उस ज़माने में भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी सफ़र करना फ़ख्र महसूस करते थे, हमने उस फ़ख्र को अपने हाथों से दफन कर दिया। हमारे इस रेलवे लाइन के लेंथ ऑफ पेशावर लंदी कोतल सेक्शन इज़ 52 किलोमीटर्स। जमरूद स्टैंड्स 1500 फीट अबव सी लेवल, राइजिंग अप टू 3500 फीट एट लंदी कोतल इन अबाउट 32 किलोमीटर्स लेंथ, यानी 32 किलोमीटर में 3500 फीट बुलंदी पर जाती है। ट्रैक डिसेंड स्लीपली फ्रॉम लंदी कोतल टू लंदी खाना टू 2600 फीट इन जस्ट 8 किलोमीटर्स, यानी 8 किलोमीटर्स में वो 3500 फुट से 900 फुट जो है वो कम से कम वो नीचे आती है। देर आर थ्री रिवर्सिंग स्टेशंस ऑन दिस सेक्शन, अहमद मंदक चंगई एंड तोरा तीगा क्लोज स्टेशन नहीं है। यहाँ से जो है वो मेरे पास एक दो तस्वीरें रखी हुई हैं, तो मैं उन तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिवर्सिंग स्टेशंस हैं ये क्या थे। देर आर 18 टनल्स बिटवीन जमरूत लंदी कोतल एंड 16 टनल्स बिटवीन लंदी खाना टू लंदी कोतल क्लोज सेक्शन। लॉन्गेस्ट टनल इज़ द टनल नंबर 15, 1540 फुट लॉन्ग इन 7 डिग्री कर्व। टू टनल्स, टनल नंबर 4 एंड 5 स्टैंड राइट ओवर द टनल नंबर 3। अच्छा, 4 और 5 नंबर जो है वो टनल्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो 3 नंबर टनल बनी हुई है, विच इज़ 340 फीट लॉन्ग कर्व टनल। नंबर ऑफ कर्व्स बिटवीन पेशावर लंदी खाना इज़ 116, 116 मोड़ है, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर शार्प कर्व्स ऑफ 7 डिग्री। सेक्शनल स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन पेशावर इज़ 55 किलोमीटर पर आवर्स एंड 30 किलोमीटर पर आवर बिटवीन जमरूत टू लंदी कोतल। 55 किलोमीटर की स्पीड से चला करती थी अपना जमरूत तक, पेशावर से अपना जमरूत तक, और जमरूत से फिर लंदी कोतल तक इसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर रह जाती थी। देर आर 250
bridges on Peshawar to Landhi Kotla section and 25 manned and unmanned level crossings. ये जनाब उसकी मैंने तफसील आपको बताई और जो है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक ट्रेन नहीं थी बल्कि एक अजूबा थी. ये तय है कि ये दोबारा अब कभी बहाल नहीं हो सकती. पाकिस्तान अगर अपनी मुआशी बदहाली से निकल भी आता है तो कम अज़ कम ये भूल जाएँ कि खैबर सफारी ट्रेन दोबारा बहाल होगी. लिहाजा आप भी मेरे साथ मिलकर खैबर सफारी ट्रेन के लिए पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.